बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल में, वो है लिपिड्स। के लिपिड्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उनका मेन फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ठीक है, और इनकी लिपिड्स बनते कैसे हैं वो उसकी एक टाइप देखेंगे, और डिफरेंट इसका नॉमनक्लेचर कैसे होता है या इसकी नंबरिंग कैसे की जाती है वो हम देखेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में है, इसके बारे में नहीं जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर के डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर्स देखे थे या फिर हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखे थे, उनकी बजाय हम जो एक या दो स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी जो है वो कॉमनली उसकी जो कॉमन टाइप है, ठीक है, उसके नेम के लिहाज से उसको देख लेंगे या फिर ये है, लेकिन इसके यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लिपिड। एक्चुअली हम बहुत थोड़ा सा लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, मेन 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 चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं लिपिड्स के, बहुत ज़्यादा वैल्यू है लिपिड्स की, ठीक है, और इसके ऊपर इस बुक में 3-4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो हम जस्ट उसके स्टार्ट पे ही जो है जस्ट उसी को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही टाइप ही लेना है कि लिपिड्स हैं हमारे पास क्या होते हैं और ये किस तरह का फंक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और जस्ट एक ही लेक्चर के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लिपिड्स हमारे पास क्या है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, कि हमारे पास बायोलॉजिकली लिपिड्स आर अ केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, द कॉमन एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ विच इज़ देयर इनसोलिबिलिटी इन वाटर। कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो है बायोलॉजिकली हमारे पास क्या है, वो लिपिड्स में कंसिडर होते हैं, और इनका मेन फीचर क्या है, ये वाटर इनसोलेबल है। ये वाटर इनसोलेबल क्यों है, आपको पता है ये फैट्स और ऑयल जो हैं, ठीक है, यही एक्चुअली हमारे पास लिपिड्स होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं या हमारे पास जो ऑयल है, वो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो वाटर हमारे पास क्या है, पोलर होता है। तो जब एक नॉन पोलर चीज़ को एक पोलर सब्सटेंस के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी सोलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है या वो इनसोलेबल होता है। तो इसीलिए ये हमारे पास जो लिपिड्स हैं ये वाटर इनसोलेबल हैं। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द लिपिड आर एज डाइवर्स एज देयर केमिस्ट्री। के बहुत ज़्यादा ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, जैसे जैसे इनकी केमिस्ट्री चेंज होती है, मीन इनका स्ट्रक्चर या इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो इनके फंक्शन भी साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं। फैट्स एंड ऑयल आर द प्रिंसिपल स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिज्म। हमें ये भी पता है कि हम जो हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, वो फैट्स या ऑयल से ले रहे होते हैं। देखिए हम क्या खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं उसके अंदर या तो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं या फैट और लिपिड्स हो सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने स्टडी किया हो तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब भी एनर्जी लेवल किसका लो होता है तो उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज दिया जाता है या ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है जनरली अगर देखा जाए। तो वो क्या करता है कि ग्लूकोज जो है वो वाटर में सोलेबल है या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वाटर में सोलेबल होते हैं, तो इंस्टेंटली वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, लिपिड्स भी जो स्टोर फॉर्म है एनर्जी की बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो हमारे पास एनर्जी की स्टोर फॉर्म है वो क्या है, लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होती है या फिर फैट्स की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये भी हमें क्या है, जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि फैट्स एंड ऑयल आर द प्रिंसिपल स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन मैनी ऑर्गेनिजम्स, फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरोल आर द मेजर स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। के जो सेल की मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं उसमें स्टीरोल और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह भी होते हैं। मीन लिपिड्स की बहुत ज़्यादा टाइप हैं, हम तो यहाँ पे जस्ट इसकी जनरल जनरल पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अदर लिपिड्स ऑल्दो प्रेजेंट इन रिलेटिवली स्मॉल क्वान्टिटीज प्ले क्रूशियल रोल्स एज एंजाइम को फैक्टर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट हाइड्रोफोबिक एंकर्स फॉर प्रोटीन्स चैपिरॉन्स टू हेल्प द मेम्ब्रेन प्रोटीन फोल्ड एंड
इमल्सिफाइंग एजेंट इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक, हार्मोन्स एंड इंट्रासेलुलर मैसेजेस के ये इनके फंक्शंस बताए जा रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, कि एंजाइम के साथ को फैक्टर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, या बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल्स होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हो सकते हैं, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट में भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन की अटैचमेंट के लिए, या उनको उनकी फोल्डिंग जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे भी लिपिड जो है अटैच हुए होते हैं, उनकी फोल्डिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, या इमल्सिफाइंग एजेंट हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पे हेल्प करें, मीन कि अगर ऑयल भी है बॉडी के अंदर और लिक्विड भी है तो वो एक इमरजेंसी बनाते हैं, तो वो उसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास क्या है कि इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ होते हैं, तो ये जो लिपिड्स होते हैं ये समटाइम इमल्सिफाइंग एजेंट का भी काम कर रहे होते हैं। मेन हार्मोन्स क्या हैं वो आ जाते हैं, या मैसेंजर या सिग्नल जो बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो उन सब में हमारे पास प्रोटीन के साथ साथ जो हैं वो और जो है लिपिड भी इन्वॉल्व होते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव लिपिड ऑफ ईच टाइप विच एम्फेसिस ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा इस पूरा चैप्टर को तो हम स्टडी नहीं करें, हम तो जस्ट उसके स्टार्ट वाले कुछ पेजेस को स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टोरेज लिपिड्स के लिपिड जो है हमारे पास क्या है, वो एनर्जी स्टोर करते हैं और जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमें एनर्जी दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या वो क्या है उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो हमें एनर्जी देते हैं, या आप जो सिंपली कह लें कि जो फॉसिल फ्यूल है उनमें भी तो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, अब वो फॉसिल फ्यूल की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और वाटर दे दी और साथ एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं या लिपिड्स की हैं इनकी भी ऑक्सीडेशन होती है तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये स्टोरेज लिपिड्स हैं। द फैट्स एंड ऑयल यूज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एज स्टोरेज स्टोर फॉर्म ऑफ द एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डेरिवेटिव ऑफ द फैटी एसिड, कि अब ये जो फैट्स हैं ये ऑयल जो हैं जो ये लिपिड हैं ये किससे बने होते हैं, ये फैटी एसिड से बने होते हैं, और हमें पता है कि फैटी एसिड क्या होते हैं कि एक साइड पे क्या है कार्बन की लंबी चेन होती है और एक दूसरे कॉर्नर पे क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है। अब फैटी एसिड के डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे पास हो जाते हैं फैट और ऑयल हो जाते हैं, लेकिन खुद फैटी एसिड क्या होते हैं, दी फैटी एसिड आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, कि ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हैं, ठीक है, अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो वो तो सिंपल हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे ना, ठीक है, एक एक साइड पे मिथाइल लगा दरम्यान में CH2 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 जितने मर्जी लग जाए, ठीक है, और एंड पे अगर CH3 आ गया तो सिंपल हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, लेकिन इस CH3 के बजाय हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लग जाए तो ये क्या बन जाते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए अगर तो उसमें क्या है OH7 और एडिशन आ जाती है इसकी, ठीक है, तो ये जो क्या बन जाता है हमारे पास फैटी एसिड, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फैटी एसिड जो है हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, और फैटी एसिड के जो डेरिवेटिव है मीन फैटी एसिड किसी और सब्सटेंस के साथ मिल के हमारे पास जो है वो लिपिड्स वगैरह बना देते हैं, ठीक है। द फैटी एसिड आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटेड एट अबाउट द सेम लो ऑक्सीडेशन स्टेट एज द हाइड्रोकार्बन इन द फॉसिल फ्यूल, ठीक है, कि उनके उसी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड लाइक कंट्रोल टू, अब जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी फैटी एसिड की किसी भी सेल के अंदर तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि सिमिलर है जैसे हम क्या करें लाइक द कंट्रोल रैपिड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इन द इंटरनल कम्बशन इंजन इज हाईली एक्सर्गोनिक, ठीक है, उसी तरह ये है कि एक एक सेल के अंदर जो फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन हो रही है या बर्निंग है उससे भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और इसी तरह हम ये कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है उसकी भी बर्निंग से जो इंटरनल कम्बशन इंजन के अंदर बर्निंग होती है तो वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और
हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हाईली एक्सर्गोनिक में, एक्सर्गोनिक मीन के हम यहाँ पे हाईली हीट जो है वो रिलीज हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। वी इंट्रोड्यूस हेयर दी स्ट्रक्चर एंड नॉमन क्लेचर ऑफ द फैटी एसिड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू टाइप ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग कंपाउंड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्सीज आर डिस्क्राइब इन टू इलस्ट्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी तो हम जस्ट ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म ही देखेंगे, हम वैक्सीज पे नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपली अगर आपको बता दूँ कि हमारे पास जो अनसेचुरेटेड जो लिपिड्स होते हैं उनकी, या ऑयल जैसे है, ऑयल की हाइड्रोजिनेशन कर दी जाए तो वो हमारे पास क्या है, वो घी बन जाता है, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड ऑयल से हमारे पास क्या है, वो सेचुरेटेड बन जाएगा तो वो क्या होता है, घी बन जाता है, मीन वो सोल्डिफाई होना शुरू हो जाता है, तो वो ऑयल की बजाय वो वैक्सीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास होते तो वो फैटी एसिड्स ही हैं या फिर हमारे पास लिपिड्स ही हैं, ठीक है। हम आगे देखते हैं फैटी एसिड और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हमें पता है कि ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है फैटी एसिड, और फैटी एसिड आगे मिलके हमारे पास जो है वो बनाते हैं लिपिड्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड विद दी हाइड्रोकार्बन चेन रेंजिंग फ्रॉम 4 to 36 कार्बन लॉन्ग, ठीक है। कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है कि इसमें कार्बन की नंबर बताए हुए हैं कि कितनी कार्बन हो सकती है, 4 से लेके 36 तक हमारे पास कार्बन हो सकती है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। नीचे अगर डायग्राम आती है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इन सम फैटी एसिड दिस चेन इज अनब्रांच एंड फुली सैचुरेटेड, ठीक है। अनब्रांच का मतलब क्या है कि स्ट्रेट चेन होगी और फुली हमारे पास क्या आ जाती है, सैचुरेटेड, आई मीन उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इन अदर द चेन कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, उसमें कोई समटाइम ऐसा भी हो सकता है किसी लिपिड के अंदर कोई डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अ फ्यू कंटेन थ्री कार्बन रिंग, ठीक है। बहुत ऐसे हैं जिनमें कार्बन के लिंक्स बने होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा या मिथाइल ग्रुप की ब्रांचेज होंगी, ठीक है। अ सिंप्लीफाइड नॉमन क्लेचर फॉर दिस कंपाउंड स्पेसिफाई द चेन लेंथ एंड द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसका जो नॉमन क्लेचर है, हमने नंबरिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हमने देखना है कि उसमें कार्बन कितनी है, ठीक है, कि चेन लेंथ कितनी है और किस पोजिशन पर डबल बॉन्ड है। तो दो चीज़ें हमने देखनी है कि कार्बन की लेंथ कितनी है, कितनी कार्बन है, और साथ साथ जो है डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, ठीक है। इसको हमने सेपरेट बाय कॉलन, कॉलन से इसको सेपरेट कर देना है। फॉर एग्जांपल दिस 16 कार्बन सैचुरेटेड पाल्मिटिक एसिड इज एब्रिवेटेड एज। अब देखिए उन्होंने बता दिया कि ये सैचुरेटेड है, मीन इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कार्बन कितनी है, 16 है, तो ये कार्बन का नंबर क्या हो गया, 16, कॉलन लगाया, और जीरो का मतलब ये है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एंड दी 18 कार्बन ओलिक एसिड विद वन डबल बॉन्ड इज 18:1, कि इसमें वन जो है वो डबल बॉन्ड है। अब हमने देखना है कि डबल बॉन्ड एक है या दो है या तीन, या अगर यहाँ तीन होते तो हम यहाँ पे तीन लिखते हैं। अब हमने देखना है कि डबल बॉन्ड तो है लेकिन उसकी पोजिशन क्या है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन चेक करने के लिए कि वो अगर 3 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे है, 9 पे है, किस पोजीशन पे वो डबल बॉन्ड है, तो वो पोजीशन भी हमने मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डेल्टा लेते हैं, या जो साइन है हमारे पास डेल्टा का, उसके ऊपर बताते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है, ये 9 पोजीशन पे है या 12 पोजीशन पे है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ एनी डबल बॉन्ड आर स्पेसिफाइड बाय अ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि ऊपर जो लाइन से ऊपर हम लिख रहे हैं, नंबर्स फॉलोइंग दी डेल्टा, ठीक है, कि डेल्टा के बाद ऊपर सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर उसका नंबर आ जाएगा कि कहाँ कौन कौन सी पोजिशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अ 20 कार्बन फैटी एसिड विद दी वन डबल बॉन्ड बिटवीन C9 एंड C10, के कार्बन 9 और 10 के दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ है, और जो है हमें पता है कि कार्बन 1 पे तो हमेशा कार्बोक्सिल कार्बन ही होगी ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन है, ठीक है। एंड अनदर बिटवीन दी कार्बन 12 एंड 13, अब क्या है, पहला बॉन्ड किस पे है, कार्बन 9 के ऊपर है, और दूसरा बॉन्ड किस पे है, कार्बन 12 पे, जहाँ से वो छोटी होती है कार्बन की लेंथ, वहाँ से हम आपको पता है इसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि 20 कार्बन वाली है
चेन, उसमें दो दो डबल बॉन्ड है, और दो डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है वो डेल्टा लिख के, पहला किस पे है 9th पोजीशन पे, दूसरा क्या है 12th पोजीशन के ऊपर। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि ऐसे हमने जो है इसकी पोजीशन लिखनी होती है कि कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। द मोस्ट कॉमन अक्रिंग फैटी एसिड हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज एन अनब्रांच चेन्स ऑफ 12 to 24 कार्बन्स। ठीक है, कि हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उनके अंदर जो है मोस्टली अनब्रांच चेन होती हैं, जिसमें कार्बन 12 से लेकर कार्बन 24 तक जो है वो कार्बन लेंथ हो सकती है। The even number of carbon resulted from the mode of the synthesis of these compound, which involve the condensation of two carbon and units. कि अगर इवन क्यों आ रहे हैं कि जितनी कार्बन एक साइड पे हैं तो उतनी कार्बन अगर दूसरे यूनिट के साथ अटैच हो रही हैं, मीन कंबाइन हो रही हैं, तो वो हमारे पास इक्वली आ जाएगा। ठीक है, कि मीन डिपेंड करे कि कंपाउंड की सिंथेसिस कैसे हुई है, तो उसके अंदर जो है ये इवन कार्बन भी आ सकती है, लेकिन ओड कार्बन वाली भी होती है, ये नहीं है कि नहीं होती। देयर इज आल्सो अ कॉमन पैटर्न इन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मोस्ट मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। द डबल बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन 9 and 10। तो मोस्टली हमारे पास जो है कि जिनके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जहाँ पे सिर्फ एक जगह पे अनसेचुरेशन है, मीन एक डबल बॉन्ड है, तो मोस्टली वो कहाँ पे होगा, कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरम्यान है। एंड द अदर बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑफ पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड आर जनरली कार्बन 12 के ऊपर हो सकते हैं एंड 15 के ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, कि अगर एक होगा तो वो 9 के ऊपर होगा, लेकिन अगर दो या तीन है तो वो कौन कौन सी के ऊपर हो सकता है, मोस्टली जो है 12 के ऊपर हो सकते हैं या 15 के ऊपर हो सकते हैं। रेचिडोनिक एसिड इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन, केस उसके अंदर जो है वो चेंज होंगे उसके अलावा, लेकिन जनरली मोस्टली इन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होता है। द डबल बॉन्ड्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर ऑलमोस्ट नेवर कंजुगेटेड। ठीक है, कि ये कंजुगेटेड नहीं होते, कंजुगेटेड वो डबल बॉन्ड होते हैं जिनमें एक एक डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, मीन अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम कंजुगेटेड बॉन्ड कहते हैं। लेकिन हमारे पास लिपिड्स में ऐसा नहीं होता, लिपिड्स में अनकंजुगेटेड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसके आगे भी सिंगल बॉन्ड है, उसके आगे भी सिंगल बॉन्ड है, मे भी आगे भी सिंगल बॉन्ड होता हो, फिर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो आगे सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये अल्टरनेटिव नहीं है यहाँ पे लिपिड्स के अंदर, बट आर सेपरेटेड बाय अ मिथाइलिन ग्रुप। के दरम्यान में कोई ना कोई मिथाइलिन ग्रुप जो है वो लाजमी लगा होता है। इन नियरली ऑल नेचुरली अकरिंग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड द डबल बॉन्ड आर इन द सिस कॉन्फिग्रेशन। आप लोग ने सिस और ट्रांस तो आइसोमर्स पढ़े होंगे, कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड बन है जिस पोजीशन पे, ठीक है, तो उसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन है या कोई और भी सब्सटेंस है, तो वो सिस फॉर्म है, कि दोनों एक ही साइड पे उनकी लोकेशन होती है। ठीक है, और अगर ऑपोजिट साइड पे हो तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। तो जो नेचुरली अकरिंग है हमारे पास वो सिस कॉन्फिग्रेशन होती है इनकी। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड आर प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन इन द रूमन ऑफ डायरी एनिमल्स एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट। के ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी एनिमल्स हैं हमारे पास, उनके अंदर जो है प्रोड्यूस हो सकती है ट्रांसफॉर्म, और वही जिसकी वजह से ये जो लिपिड्स हमें मिल रहेंगे इनसे, तो वो भी क्या हो सकते हैं, उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट हम टेबल अभी देखते हैं नीचे। दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिश और वेजिटेबल ऑयल। के हमारे पास जो है सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं। ठीक है, बिकॉज डाइट हाई इन ट्रांस फैटी एसिड कोरिलेट विद द इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ द एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज हाई हाई जो होता है डीएल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो सिस फॉर्म है।
सिस फॉर्म जो है हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन अगर हम फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं या कहीं और से हमारे पास जो है हमारी बॉडी के अंदर जो एलडीएल आ रहा है, ठीक है, किडनी यानी ट्रांसफॉर्म आ रही है, तो वो हमारी बॉडी के लिए अब यूजफुल नहीं है, वो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम भी कर सकती है। और जब एलडीएल ज़्यादा हो जाएगा तो जो है एचडीएल जो है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी अमाउंट जो है कम हो जाती है। इट इज़ जनरली रिकमेंडेड दैट वन अवॉइड लार्ज अमाउंट ऑफ दीज फैटी एसिड, कि हमें अवॉइड करना चाहिए फैटी एसिड्स को, ठीक है, लिपिड्स को या फैटी एसिड को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑयल्स को ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स एंड कुकी टेंड टू बी हाई इन ट्रांस फैटी एसिड, कि हमारे पास जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, उन क्योंकि वो फ्राई किए हुए हैं या डोनट्स वगैरह या कुकीज़ हैं, उनके अंदर ट्रांस फॉर्म जो है फैटी एसिड की ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उनको जितना हम अवॉइड करें उतना अच्छा है। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फैटी एसिड एंड ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन देम आर लार्जली डिटर्मिंड बाई द लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन, कि लेंथ कितनी है, ठीक है, कार्बन की लेंथ कितनी है और उसके अंदर कितनी अनसेचुरेशन है, मीन उसके अंदर कितने जो है डबल बॉन्ड है, वो डिपेंड कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज जो हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस किस चीज़ पर डिपेंड करनी है, कि कितने उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और कितनी कार्बन चेन है। दी नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन अकाउंट फॉर दी पुअर सोलबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन दी वाटर, कि जितनी हमारे पास कार्बन चेन ज़्यादा होती जाएगी तो उतना ही हमारे पास क्या है कि वो नॉन पोलर होता जाएगा और वो वाटर में इनसोलेबल होता जाएगा। लॉरिक एसिड फॉर एग्जाम्पल हैज़ अ सोलबिलिटी इन वाटर ऑफ, ठीक है, 0.063 mg/g, मच लेस देन दैट ऑफ द ग्लूकोज विच इज़ 1100 mg/g, कि हमारे पास जो है ग्लूकोज जो है हम कहते हैं कि रेडिली वाटर के अंदर सोलेबल हो जाता है, तो उसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इस फैटी एसिड की बात करें तो उसकी सोलेबिलिटी जो है वो ग्लूकोज के लिहाज से बहुत कम है। द लॉन्गर द फैटी एसाइल चेन द फ्यूअर द डबल बॉन्ड द लोअर इज द सोलेबिलिटी, कि जितनी हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड जो है कम हो गए और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर कम हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस पोलर, ठीक है, पोलर होता है तो वो आयनाइज हो जाता है पीएच न्यूट्रल पीएच के ऊपर एंड अकाउंट फॉर द स्लाइट सॉल्युबिलिटी इन दी शॉर्ट चेन फैटी एसिड इन दी वाटर, कि जो जहाँ पे फैटी एसिड की लेंथ कम है, कार्बन की चेन लेंथ कम है, तो वहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो वो भी क्या है उसकी वजह से भी वो थोड़े बहुत पानी में सोलेबल हो सकते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास पोलर होता है, ठीक है। ये अगर हम एक स्ट्रक्चर देख लें कि एक साइड पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे ये लंबी सी कार्बन की चेन है, ठीक है, उसी को ही इन्होंने यहाँ पे ये बना दिया इस फॉर्म में, और जो बी है वो ये बता रही है कि सिस फॉर्म में हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर है, तो जब भी कोई सिस फॉर्म में आते हैं, मीन डबल बॉन्ड आ रहा है और सिस फॉर्म में आ रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो बेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने ये भी नीचे देखना है कि एक ये सिंपली हमारे पास क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो क्या स्टेट स्टेट है, लेकिन हमारे पास जहाँ भी डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो वो थोड़े से बेंट हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर जनरली आप स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है कि एक एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और बाकी सारी कार्बन की चेन है, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो मोस्टली वो सिस फॉर्म में होगा, और इसी की वजह से क्या है कि जितनी लंबी लेंथ हो जाएगी होती जाएगी उतना ही वो वाटर में इंसोलेबल होगा, लेकिन अगर ये छोटे ही हो शॉर्ट लेंथ हो और तब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ये वाटर में सोलेबल हो सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स आर आल्सो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन चेन, कि यहाँ पे जो है हमारे पास इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी डिपेंड कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन की चेन कितनी है
और जो है उसमें अनसैचुरेटेड जो है डबल बॉन्ड कितने हैं। एट रूम टेम्परेचर दी सैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम कार्बन 12 to 24 हैव अ वैक्सी कंसिस्टेंसी कि वैक्स की तरह पे हैं, मीन सेमी सॉलिड्स ही हैं, ठीक है, जो सैचुरेटेड होते हैं। वेयर एज दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ दीज लेंथ आर ऑयली लिक्विड। ये जो अनसैचुरेटेड है वो हमारे पास क्या है, ऑयल्स की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में। दिस डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू डिफरेंस एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ पैकिंग ऑफ द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, कि यहाँ पे उनकी पैकिंग भी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। कि अगर वो हमारे पास क्या है, हमने ये फिगर में देख लिया कि जो स्टेट होंगे वो हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड है, जो किंक हुए हुए हैं, जो बेंट हुए हुए हैं, वो हमारे पास क्या है, उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इन द फुली सैचुरेटेड कंपाउंड द फ्री रोटेशन अराउंड द ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड गिव द हाइड्रोकार्बन चेन्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ये हमारे पास क्या है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है, ज़्यादा है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, कि हाइड्रोजन जो है एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं वो दोनों साइड पे इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, और जो है एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बना रहे होते हैं। लेकिन जो सिस फॉर्म बन जाएगी, तो जहाँ डबल बॉन्ड है तो वो तो उसने सिस फॉर्म में ही रहना है, उसने ट्रांस में तो कन्वर्ट नहीं होना, तो वहाँ पे इसलिए थोड़े से वो बेंट सा स्ट्रक्चर बन जाता है और वो उसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। द मोस्ट स्टेबल कॉन्फिग्रेशन इज द फुली एक्सटेंडेड फॉर्म इन विच द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द नेबरिंग एटम इज मिनिमाइज। कि फुल जो स्टेबल स्ट्रक्चर उस टाइम बनता है कि जब हर हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हो, मीन उसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो जो है ना दूसरे को इफेक्ट ना करी हो, वो मिनिमाइज होके एक दूसरे को हिंडर ना कर रहे हो, ठीक है, तो तभी हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग जो स्टेबल जो है वो कॉन्फिग्रेशन बनी होती है। दीज मॉलिक्यूल कैन पैक टू गैदर टाइटली इन नियरली क्रिस्टलाइन अरेज। अब जिसकी वजह से क्या है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो एक तो स्ट्रेट होंगे और ये इनकी वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये एक क्रिस्टलाइन अरेज की फॉर्म में होंगे, ठीक है, यानी एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, ठीक है, वो स्ट्रेट हमारे पास लेयर्स बनेगी और ये क्रिस्टलाइंस होंगे। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सेमी सॉलिड और सॉलिड फॉर्म में आएंगे, विद एटम्स ऑल अलोंग देयर लेंथ इन वंडर वार कॉन्टेक्ट विद दी एटम ऑफ दी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। के एक एक फैटी एसिड जैसे ये है, दूसरे फैटी एसिड के साथ, तीसरे के साथ जो है इनके दरम्यान में वंडर वॉल यानी वीक फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन ये होंगे हमारे पास स्ट्रेट चेन के साथ। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर सिस डबल बॉन्ड फोर्स अ किंक इन दी हाइड्रोकार्बन चेन। कि किंक मीन के वो इसको बेंट सा कर रहा है कि सिस डबल बॉन्ड की वजह से दी फैटी एसिड विद वन और सेवरल किंक कैन नॉट पैक टुगेदर एज टाइटली एज फुली सैचुरेटेड एसिड। कि जब इसमें बेंट होंगे तो इनकी जो है इनको इनकी पैकिंग भी सही नहीं होगी, मीन इनके दरम्यान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे पैकिंग उनकी फुली पैक होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये मोस्टली लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं हमारे पास। एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर आर देयर फॉर वीकर। इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इनकी प्रॉपर इंटरेक्शन भी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकती, बिकॉज इट टेक्स लेस थर्मल एनर्जी टू डिसऑर्डर दिस पोअरली ऑर्डर्ड अरेज ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। कि हम थोड़ी सी इसको एनर्जी देंगे तो इनको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, दे हैव पार्टली लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ी सी एनर्जी दी है तो उसका मतलब है ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो जल्दी आ जाएगा, मीन लोअर होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू जो सैचुरेटेड हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं। देन दी सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ द सेम लेंथ, कि अगर हम सेम लेंथ ले लें अनसैचुरेटेड की और सैचुरेटेड की, तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, कि वहाँ पे जो है अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है जो कि बेंड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और बेंड स्ट्रक्चर की वजह से उनके दरम्यान में इंट्रेक्शंस कम होती है। तो जब किसी भी चीज़ के अंदर इंट्रेक्शंस कम हों तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा कि कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास फैटी एसिड हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनसे। इन वर्टेब्रेट्स फ्री फैटी एसिड
circulate in the blood bound non-covalently to a protein carrier serum और albinum के साथ जो है, जो free fatty acid भी हमारी body के अंदर होते हैं, तो वो क्या है कि वो easily circulate कर होते हैं serum के अंदर या blood के अंदर, ठीक है। अब free fatty acid का मतलब क्या है, unesterified fatty acid with the free carboxylate group के, ये अभी हम नीचे देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल के सारे कंपाउंड बनाते हैं, मीन कि अगर इसी फॉर्म में प्रेजेंट है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे ही है फैटी एसिड के साथ, तो वो फ्री होगा, ठीक है। यानी इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, एस्टर बॉन्ड एक्चुअली बनता है, तो इसलिए हम इसको कहा जा रहा है अनएस्टेरिफाइड फैटी एसिड, ठीक है, जिसको हम फ्री कह रहे हैं कि वो सर्कुलेट करते रहते हैं किसी ऐसे ही ब्लड के अंदर। हाउएवर अ फैटी एसिड are present in blood plasma mostly as carboxylic acid derivatives such as ester or amide, के जो blood plasma के अंदर होते हैं वो क्या है, उसके derivatives की form में exist करते हैं। Lacking the charge carboxylate group, these fatty acid derivatives are generally less soluble in the water than theirs are free fatty acid, के हमारे पास जो free fatty acid हैं वो तो water में soluble हो जाते हैं, क्यों कि हम उनके पास carboxylic group होता है। लेकिन अगर इनकी कोई other derivative बन गए हैं या उन्होंने कुछ ना कुछ reaction कर लिया, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये जो है वो water में insoluble हो जाते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले हम ज़रा इस टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल हमारे पास क्या है कि सम नेचुरली अक्रिंग फैटी एसिड्स, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं और नोमेनक्लेचर है, ठीक है। कि पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, कार्बन का स्केल्टन कि 12 कार्बन है, 14, 16, 18, 20, 24, ठीक है। और हमने पीछे नोमेनक्लेचर देख लिया कि कार्बन की लेंथ, कॉलन दरमियान में और डबल बॉन्ड, यहाँ इसमें कोई नहीं है, मीन ये सैचुरेटेड है, ठीक है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये सारे क्या हैं, सैचुरेटेड। लेकिन ये जो नीचे वाले हैं इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड है, तो कौन सी आदत है, किस पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे है, ठीक है। और इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो ये कौन कहाँ है, 9 पोजीशन पे और 12 पोजीशन पे। इसमें थर्ड 3 है हमारे पास, तो वो कहाँ कहाँ है, 9, 12, 15 पे। और इसमें क्या है, 4 है, तो अब ये पोजीशन भी चेंज होगी। जो हमने कहा था रेटिडोनिक एसिड जो है वो उसकी एक्सेप्शन क्यों थी, कि इसमें जो है वो सेम पोजीशन नहीं है जो जनरली बाकी दूसरे के अंदर होती है, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ 4, 5, 8, 11 और 14 के ऊपर हैं डबल बॉन्ड। और सारे के सारे हमने देख लिया कि ये सारे के सारे क्या हैं, सिस हैं। अब हम इनके नेम थोड़े से देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। अब देखें इसमें कार्बन कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 10 कार्बन तो ये आ गई, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में 10, ये एक ये वाली मिथाइल वाली और एक जो है कार्बोक्सिलिक वाली, ठीक है। तो कितनी बन गई, 12। तो इसको और एन का मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। एन और आइसो और नियो तो आप लोगों ने पहले भी सेकंड ईयर में भी पढ़े हुए हैं कि अगर स्ट्रेट चेन है तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि नॉर्मल हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डू डिकेनोइक एसिड, ठीक है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो आपने उसको क्या लगाना होता है, ओइक एसिड का वर्ड यूज़ करते हैं। और डिकेन या डेका हमारे पास 10 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और डू का मतलब इस यहाँ पे क्या क्या 2 आ रहा है, यानी 12 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। जिसका कॉमन नेम क्या है कि लॉरिक एसिड है, उसके मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि 44 पे है, वाटर की सोलिबिलिटी दे दी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसकी सोलिबिलिटी देखी। देखें वाटर के अंदर कम है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो बेंजीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 कार्बन, ठीक है। अब 14 कार्बन क्या है, 12, 13 और ये 14, तो इसको क्या कहते हैं, एन टेट्रा डिकेनोइक एसिड है, इसे हम रिस्टिक एसिड भी कह सकते हैं। और 16 कार्बन वाला मोस्टली हमारे पास 16, 18 वाले की एग्जांपल आ जाती है कि अगर ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सा डिकेनोइक एसिड या ओक्टा डिकेनोइक एसिड, जो कि हमारे पास पाल्मिटिक एसिड है। और
हमारे पास स्टेरिक एसिड है, ठीक। अगर हम नीचे आए तो वही हमारे पास 16 कार्बन और 18 कार्बन है, लेकिन इनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। किस किस पोजीशन पे? 9 पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिस 9 हेक्साडिनोइक एसिड, हेक्साडिसिनोइक एसिड, और ये क्या है, सिस 9 ऑक्टाडिसिनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम हमारे पास क्या आ गया, पाइरिमिडिनोइक, नो पाइरिमिडोलिक एसिड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ओलिक एसिड है, ठीक है। अब पहले हमारे पास क्या था, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड था, यहाँ पे हमारे पास यह पाल्मिटोलिक एसिड बन गया और ओलिक एसिड बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आने की वजह से उसका नेम भी चेंज हो गया। अब डिका था पहले, डिकेनोइक एसिड था, तो ये डी सी आ गया, सी भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी ई में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, सी ए की बजाय। तो ये तो हमारे पास क्या थे, कुछ कॉमन हमारे पास फैटी एसिड थे, उनकी हम आप लोग देख सकते हो कि उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, उनके कॉमन नेम क्या हैं, कि उनकी सोलेबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर बहुत कम है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है उनकी सोलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि ये फैटी एसिड अल्कोहल्स के साथ मिलके, ठीक है, एस्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, कि ग्लिसरॉल के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, तीन डिफरेंट हमारे पास जो हैं फैटी एसिड, तो वो उनके दरम्यान में एस्टर का बॉन्ड लिंकेज बनेगा, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आर फैटी एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं कि थ्री कार्बन है हमारे पास, तीन कार्बन है, और तीनों के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल है। अब इसका मतलब है कि ये तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये तीनों क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पे, तीनों पोजीशन पे यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। अब तीनों पे बॉन्ड बन सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तीन फैटी एसिड अटैच हो सकते हैं, ठीक है। वो फैटी एसिड क्या है, सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये जो नीचे एग्जांपल दिए है, ठीक है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, सी ओ, और यहाँ पे ओ एच होता है, और यहाँ पे इसके साथ भी क्या लगा हुआ है, कि यहाँ पे ओ एच है, और ओ एच और एच मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, तो यहाँ भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, तो ये लिंकेज जो है वो क्या बन गए, कि वो लिंकेज जो है एस्टर लिंकेज बन जाता है, कि अगर सिंपली देखें तो हमारे पास क्या आता है, आर सी ओ ओ एंड आर, तो यहाँ पे भी क्या, इस साइड पे आर की कोई भी चेन है, इसको ले लें या इसको ले लें, और दरम्यान में कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और अदर जो है ये दूसरा ग्रुप अटैच हो जाता है इसके साथ। तो इस तरह हमारे पास क्या है, ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब क्या है, कि ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल थ्री फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है, तो वो हमारे पास ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है वो बन जाते हैं, और ये जो लिंकेज है ये इनके दरम्यान में एस्टर का लिंकेज है, ठीक है। द सिंपलेस्ट लिपिड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फैटी एसिड आर दी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, कि ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट है, जिनको हम क्या कह सकते हैं, आल्सो रेफर्ड एज ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, फैट और न्यूट्रल फैट कह देते हैं, जिसे हम सिंपली फैट कह रहे हैं, न्यूट्रल फैट कह रहे हैं, या ट्राइग्लिसराइड कह रहे हैं, या ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कि ये फैटी एसिड के रिएक्शन के जो हैं वो ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन की वजह से बनते हैं, ठीक है। दी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज ऑफ थ्री फैटी एसिड, तीन हमारे पास डिफरेंट फैटी एसिड थी, ये जो नीचे लगी हुई है ये वाली, ठीक,
थ्री फैटी एसिड ईच इन एस्टर लिंकेज विद द सिंगल ग्रिस रोल. हर एक ने जो है वो ग्रिस रोल के OH ग्रुप के साथ जो है वो एस्टर लिंकेज बनाया हुआ है. दोज कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ फैटी एसिड. अब तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिए है अगर उसका हम नेम देख लें, ठीक है, तो क्या है वन पे, अब तीन कार्बन है, एक दो तीन, तो वन पे क्या लगा हुआ है, वन स्टीरियोल, ठीक है, और टू पे कौन सी लगी है, लिनोलियोल, और थ्री पे कौन सी है हमारे पास, थ्री पे पार्मिट्रोल, और साथ क्या है ग्रिस्रोल लगा हुआ है, अब मिक्स ट्राई असाइल ग्रिस्रोल के इसके अंदर जो तीन डिफरेंट तरह के फैटी एसिड थे वो लगे हुए थे, तो उनकी पोजीशन हमने बतानी है, उनके नेम क्या क्या हैं वो बताने हैं, और साथ में ये जो है ये जो सेंटर वाली कार्बन है ये इसको रेड इसलिए किया हुआ है कि ये हमारे पास कायरल कार्बन है. आपने पीछे देख लिया कि कार्बन कायरल कार्बन वो होती है जिसके साथ जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट हों तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है, और साथ जो है वो डिफरेंट तरह के स्टीरियो आइसोमर्स भी बन सकते हैं. लेकिन अभी हम ये देखें कि एक ग्लिसरॉल है और तीन डिफरेंट फैटी एसिड कंबाइंड होते हैं तो वो हमारे पास जो है एस्टर लिंकेज बनाते हैं, और इस एस्टर लिंकेज के साथ क्या है कि उसको जब वो फैटी एसिड या फैट बनती है तो उनको ग्लिसराइड कह देते हैं सिंपली, या फैट कह देते हैं, या ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल कह देते हैं. और अगर ये सारी तीनों फैटी एसिड सेम हो एक तीन पोजीशन पे लगी हुई हैं तो उनको हम सिंपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कह देते हैं, एंड आर नेम आफ्टर द फैटी एसिड दे कंटेन. कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के अंदर अगर एक ही फैटी एसिड लगे हुए हैं तो उसके नेम के लिहाज से उसका नेम दे दिया जाए, सिंपल ट्राई असाइल ग्लिसरॉल ऑफ 16 16 और सैचुरेटेड है, ठीक है, इसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, 18 और सैचुरेटेड है, ठीक है, ये भी, और 18 का अगर वन डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इसको हम क्या एग्जांपल के देंगे कि इसको हम कहेंगे ट्राई स्टेरीन, ठीक है, ट्राई पाल्मिटीन और ट्राई ओलीन, कि ये ओलिक एसिड था जिसमें अनसेचुरेटेड बॉन्ड था, ठीक है, और ये जो सेचुरेटेड था वो पाल्मिटिक एसिड था, और ये हमारे पास स्टेरिक एसिड था, तो वहाँ से उनके ये जो है स्पेसिफिक नेम भी बन गए. मोस्ट नेचुरली अकरिंग ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आर मिक्स, मोस्टली ये हमारे पास क्या होते हैं मिक्स होते हैं, लाजमी नहीं है कि तीनों के तीनों जो फैटी एसिड हैं वो एक ही तरह के लगे हों, वो डिफरेंट भी लगे हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी दे कंटेन टू और मोर डिफरेंट फैटी एसिड के, इसके अंदर दो या तीनों जो हैं वो डिफरेंट लगे होते हैं. टू नेम दिस कंपाउंड अनएम्बिगसली द नेम एंड पोजिशन ऑफ द ईच फैटी एसिड मस्ट बी स्पेसिफाइड. ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन की चेन की जो है वो किस कार्बन पे कौन सी फैटी एसिड लगी हुई है तो उसकी पोजिशन भी बता देते हैं, उसका नेम भी बता देते हैं. जैसे हमने ऊपर देख लिया कि वन पे क्या लगा हुआ है, टू पे क्या लगा हुआ है, थ्री पे क्या लगा हुआ है. बिकॉज ऑफ द पोलर हाइड्रोक्सिल ऑफ द ग्लिसरॉल एंड द पोलर कार्बोक्सिलेट ऑफ द फैटी एसिड आर बाउंड इन एस्टर लिंकेज, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल एसेंशली इनसोलेबल इन वाटर. अब ये कह रहे हैं कि क्यों हमारे पास जो है वो इनसोलेबल हैं, कि अगर ये फ्री फॉर्म में होते तो फिर तो हमने कहा था कि ये सोलेबल है, लेकिन अब क्या था कि ये ग्लिसरॉल के भी जो OH हैं जो पोलर थे वो भी यूटिलाइज हो गए, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पोलर एंड था वो भी इसके साथ अटैच हो गया, तो वो अब साथ में वाटर की रिमूवल हो जाती है तो वहाँ पे अब वो पोलर एंड नहीं रह जाता है, ठीक है, वो बाउंड हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये अब हाइड्रोफोबिक बन जाते हैं या नॉन पोलर बन जाते हैं, और वाटर के अंदर ये इनसोलेबल होते हैं. लिपिड हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटीज देन वाटर. अब आपको पता है जिसकी ग्रेविटी कम होगी वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी ऑयल्स हैं उनकी ग्रेविटी कम होती है तो वो क्या होते हैं कि सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. लिपिड हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन द वाटर विच एक्सप्लेन वाई मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर या फिर ऑयल एंड विनीगर सॉस ड्रेसिंग फॉर एग्जाम्पल हैव टू फेजेस, कि ये दो अलग अलग लेयर्स ही बन जाती हैं, फेजेस बन जाती है. एक क्या सी हो सकती है, ऑयल हो सकती है विद द लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोट्स ऑन द एक्वस फेज, के नीचे अगर एक्वस फेज है तो ऑयल लीक फेज जो है वो हमारे पास सरफेस के ऊपर आ जाती है.
अब हम देखते हैं कि ट्राई ग्रिसलोर प्रोवाइड एनर्जी स्टोर एनर्जी एंड इंसुलेशन कि हमारी बॉडी के अंदर भी आपने देखा होगा कि ये जो हैं इंसुलेशन का काम करते हैं या फिर स्टोर एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं सेल के अंदर भी। इवन हमें पता है आपको हमारी ये जो बेली फैट है ठीक है, यानी ये स्किन के नीचे भी इतनी इतनी ज़्यादा फैट होती है कि ये हमारे लिए इंसुलेशन का काम भी कर रही है हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी जहाँ जहाँ भी ये स्टोर है। तो एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जब भी इसकी ऑक्सीडेशन होगी ठीक है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, दूसरा ये हमें कि इंसुलेशन का काम करें कि मीन हमें सर्दी से भी बचा रहे होते हैं कि इंसुलेट कर रहे होते हैं बाहर वाले एनवायरनमेंट के से ठीक है। इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म अ सेपरेट फेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑयली ड्रॉपलेट इन द एक्वस सिस्टोल सर्विंग एज अ डिपो ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल के हमारे पास जो यूकेरियोट्स हम किने कहते हैं या वर्टिब्रेट्स किन के पास कहते हैं, ये जो हमारे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते होते थे, प्रोकेरियोट्स कहते थे ठीक है। और इनवर्टिब्रेट जिनके अंदर जो है बैकबोन नहीं होती, लेकिन हम जो वर्टिब्रेट्स हैं या यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि एक सेल के अंदर भी डिफरेंट तरह के छोटे छोटे स्पेसिफिक फैट सेल बने होते हैं जिन्हें हम एडिपोज टिश्यूज वगैरह कहते हैं या एडिपोसाइट कह रहे होते हैं ठीक है। तो इन फैट सेल के अंदर क्या हो जाता है कि फैट स्टोर हो जाती है ठीक है। एक सेल के अंदर भी डिफरेंट ऐसी प्लेसेस होती हैं कि वहाँ पे जो है वो फैट स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ये फिगर में दिखाया हुआ है कि एक ये सेल है कि ये सेल है और सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट जगह पे हमारे पास जो है वो फैट जो है वो स्टोर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है सेल के अंदर माइटोकांड्रिया वैक्यूल और अदर जो है हमारे पास डिफरेंट जो है ग्रैन्यू क्या कहते हैं वो जो स्मॉल से टिश्यूज वगैरह होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या के साथ साथ जो है फैट सेल भी होते हैं जो फैट सेल्स के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। कि अब ये वाटर इंसोलेबल हैं तो ये ऐसे जो है ऑयली ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है सेल के लिक्विड मीडियम के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ये सिस्टोल जो होता है ये इसका जो फ्लूड मटेरियल है ये सारा वो आ जाता है, उसके अंदर जो है जो फैट सेल हैं ये वो आ जाते हैं कि वो ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनवर्टिब्रेट स्पेशलाइज सेल कॉल्ड एडिपोसाइट और द फैट सेल स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एस फैट ड्रॉपलेट्स दैट नेली फिल द सेल। कि हमारे पास क्या है कि ये जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर ये जो स्पेसिफिक एडिपोसाइट्स होती हैं उनके अंदर जो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो ऐड होना शुरू हो जाता है, तो वो फैट ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसके अंदर फिल हो जाता है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आर ऑल्सो स्टोर एज ऑयल इन द सीड ऑफ मैनी टाइप ऑफ द प्लांट। कि अब ये लाजमी नहीं है कि एनिमल के सेल के अंदर भी होता है, एनिमल के सेल के अंदर होता है, लेकिन ये जो है क्या है कि ये प्लांट के अंदर भी जो है प्लांट टिश्यूज के अंदर भी ये स्टोर हो जाते हैं और वहाँ पे भी ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं ठीक है। ट्राई एसाइल ग्रिसलोर आर ऑल्सो स्टोर एज ऑयल इन द सीड्स, ये सीड के अंदर भी स्टोर हो जाते हैं प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ड्यूरिंग दी सीड जर्मिनेशन। जिसके जब सीड की जर्मिनेशन हो रही है ये सीड से प्लांट बन रहा है तो वहाँ से उसकी किस तरह की सिंथेसिस होनी है या एनर्जी जो प्रोवाइड करनी है वो भी जो है वो लिपिड जो है वो प्रोवाइड कर रहते हैं ठीक है। दी एडिपोसाइट एंड जर्मिनेटिंग सीड कंटेन लाइपेसिस एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टोर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल रिलीजिंग फैटी एसिड फॉर द एक्सपोर्ट टू साइट वेयर दे आर रिक्वायर्ड एज फ्यूल। कि हमारे पास जो है ये जो सीड होते हैं इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जिनको लाइपेज एंजाइम कहते हैं, यानी कि लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम ठीक है। तो लाइपेज एंजाइम है तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जहाँ पे इनकी ब्रेक डाउन की ज़रूरत है जहाँ पे ये इनसे एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे सेल क्या है ये एंजाइम के थ्रू
इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इनसे एनर्जी ले ली जाती है। ठीक है, हमें पता है कि फैटी एसिड की या लिपिड्स की ब्रेक डाउन से हमें हमारे पास जो स्टोर एनर्जी है हमने ऊपर देख लिया था वो मिल जाती है। जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं या उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या एनर्जी आ जाती है। देर आर टू सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ट्राइल सेल ग्रेस रोड एज स्टोर फूड रेदर दैन पोली सेक्राइड सच एज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, कि हमारे पास हमें पता है कि पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जो ग्लाइकोजन है वो भी हमारे पास एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी कि हमारे पास ग्लूकोज भी होता है वो भी हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं, जल्दी दे देते हैं हमें एनर्जी, लेकिन फैट जो है वो वाटर में सोलेबल नहीं होते तो वो हमें देर से एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा भूखा है, कई दिनों से भूखा भी रह सकता है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर फैट सेल्स होते हैं, तो वो फैट सेल जो हैं वो अगर इंसान को कुछ नहीं मिल रहा तो वो उसकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको वो डिजोल्व करना शुरू कर देते हैं ताकि एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना शुरू हो जाए। तो इंसान कई दिन भूखा रह सकता है लेकिन अगर उसके बॉडी के अंदर स्टोर फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि हमारे पास स्टार्च और ग्लाइकोजन में भी जो कि पॉलीसेक्राइड है वो भी एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन उसकी निस्बत हमारे पास ग्लाइसरोल ये जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल होते हैं वो बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं हमारे पास? फर्स्ट बिकॉज द कार्बन एटम ऑफ द फैटी एसिड आर मोर रिड्यूस देन दोज ऑफ शुगर, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल यील्ड मोर देन ट्वाइस एज मच एनर्जी ग्राम पर ग्राम एज दी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, के जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है उससे ज़्यादा एनर्जी जो है हमें फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से मिलती है। ठीक है, ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में होते हैं तो इनको हमें थोड़ी सी ऑक्सीडेशन करने से जो है हमारे पास हमें एनर्जी मिल जाती है। सेकेंड, बिकॉज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल आर हाइड्रोफोबिक एंड देयर फॉर अनहाइड्रेटेड, अब हाइड्रोफोबिक हैं तो इनके साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं होगा। द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज फैट एज फ्यूल डज नॉट हैव टू कैरी द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टोर पॉलीग्लिसराइड। ठीक है, 2 ग्राम पर ग्राम ऑफ द पॉलीसेक्राइड। अब क्या है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनके अंदर वाटर भी होता है। ठीक है, तो अब जब पॉलीसेक्राइड में एनर्जी सेव हो रही होगी तो वहाँ क्या है कि वाटर भी साथ साथ जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अगर 1 ग्राम हमारे पास पॉलीसेक्राइड है तो उसके साथ 2 ग्राम कितने होंगे वाटर के मॉलिक्यूल लगे होंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि जो फैटी एसिड्स हैं ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है इसके ये हाइड्रोफोबिक है तो इसलिए इसके साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगे होंगे, तो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैच नहीं होगा ये फैटी एसिड को स्टोर करने के साथ साथ। ठीक है, ह्यूमन हैव फैट टिश्यूज, हमें पता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये स्किन के नीचे सारे के सारे जो है वो फैट टिश्यूज हैं। किससे बने हुए हैं? कंपोज प्राइमरी ऑफ एडिपोसाइट अंडर द स्किन इन द एब्डोमिनल कैविटी, के ये हमारे जो पेट के नीचे हैं ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये स्किन के नीचे सारे के सारे एडिपोसाइट हैं या फैट टिश्यूज हैं। ठीक है, जिसके अंदर फैट होती है एंड इन द मेमरी ग्लैंड्स के अंदर भी होती है। मॉडरेटली ओबेस पीपल विद 15 to 20 kg ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल डिपॉजिट इन देयर एडिपोसाइट कुड मीट देयर एनर्जी नीड फॉर द मंथ बाय ड्राइंग ऑन देयर फैट स्टोर, कि अगर हमारे पास जो मोटे लोग हैं मॉडरेटली मोटे लोग हैं उनके अंदर क्या है कि अगर 15 से 20 kg उनके पास जो एक्स्ट्रा फैट है अगर वो उनको भूखा रखा जाए कई मंथ के लिए या मंथ के लिए तो वो क्या है कि उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो सकती है। ठीक है, तो वो यानी कि इतनी एनर्जी जो है इन फैट सेल के अंदर मौजूद होती है कि वो जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द ह्यूमन बॉडी कैन स्टोर लेस देन अ डेज एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कि अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो यानी पॉलीसेक्राइड वो सिर्फ 1 दिन की एनर्जियाँ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि 1 दिन की एनर्जी जो है वो स्टोर हो सकती है पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन डू ऑफर सर्टेन एडवांटेजेस एज क्विक सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, वन ऑफ विच इज देयर
रेडी सोलेबिलिटी इन वाटर की, हमें पता है कि ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन है या ग्लूकोज है वो क्विक एनर्जी का सोर्स है, इसलिए जब भी किसी का एनर्जी लेवल डाउन होता है तो जल्दी से हम उसे ग्लूकोज बना के देते हैं ताकि उसकी एनर्जी जो है वो बहाल हो सके, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल बैलेंस हो सके और वो जो वीकनेस फील कर होता है वो उसको कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये कि ये इंस्टेंट एनर्जी है और उसमें एनर्जी की वैल्यू कम होती है और एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो स्टोर फैट हैं वो ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंसान एनिमल्स ट्राई ए सेल स्टोर अंडर द स्किन सर्व नॉट ओनली एज अ एनर्जी स्टोर बट एज इंसुलेशन अगेंस्ट लो टेम्परेचर। हमें पता है कि ये इंसुलेशन के लिए भी के काम भी आता है कि जो लो टेम्परेचर है या स्पेशली जो बर्फ़ वगैरह के एरियाज के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये जो है इंसुलेशन का काम भी कर सकते हैं। सील्स वालूसिस पेंगुइन्स एंड अदर वार्म ब्लडेड पोलर एनिमल आर एम्पली पैडेड विद द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, के उनके अंदर इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी होते हैं। इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स के जो आपको पता है कि जो सर्दी आती है तो अपने आप को किसी ज़मीन में किसी जगह पर छुपा लेते हैं और वो वहाँ पे सोए रहते हैं, मीन उनके बॉडी की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को बचा रहे होते हैं कि वो मिनिमम एनर्जी यूटिलाइज कर लें, ठीक है। इन हाइबरनेटिंग एनिमल्स वो कौन से हो सकते हैं, बियर बियर्स वगैरह। द ह्यूज फैट रिजर्व अकोमोडेटेड बिफोर द हाइबरनेटिंग सर्व दी डुअल पर्पज ऑफ इंसुलेशन एंड स्टोरेज एनर्जी, के ये डुअल पर्पज़ करती है कि एक तो उनको सर्दी से बचा रही है, इंसुलेशन का काम कर रही है, और दूसरा उनकी एनर्जी स्टोरेज भी हो रही है, तो वो साथ साथ क्या है कि वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रही है। दी लो डेंसिटी ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज द बेसिस फॉर अनदर रिमार्केबल फंक्शन ऑफ दीज कंपाउंड, के ये हमारे पास क्या है इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। इन स्पर्म वेल अ स्टोर ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एंड वैक्सेस अलाउ द एनिमल टू मैच द बायोएंसी ऑफ देयर बॉडीज टू देयर डॉग सराउंडिंग ड्यूरिंग डीप डाइव्स इन द कोल्ड वाटर। अब इसी की वजह से क्या है कि ये क्या है इनकी डेंसिटी कम है तो हमारे पास क्या है कि जो वेल्स वगैरह हैं उनके अंदर ये लिपिड्स वगैरह क्या है ये ऑयल ज़्यादा होते हैं, तो क्या है अब ये डेंसिटी कम है इसलिए तो वो ऊपर रहती है, मीन अगर वो इतनी ज़्यादा डेंसिटी उनके अंदर होती है उनके बॉडी के अंदर तो वो तो समुद्र के अंदर तैर ही ना सकती, ठीक है। जब भी किसी चीज़ का वेट ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाती है, उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था ये जो वेल्स वगैरह हैं उनकी बॉडी के अंदर भी हमारे पास क्या है कि ट्राइसाइल्स ग्लिसरॉल्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जो उसकी बायोएंसी है वो उसकी यानी कि वो लिक्विड के अंदर जो वाटर के अंदर जो है वो बैलेंस रहते हैं, वो नीचे डूब नहीं जाते, वो सिंक नहीं हो जाते, वो वहीं पे हमारे पास जो है वो उनका बैलेंस बरकरार रहता है, वो वाटर के अंदर जो है वो इजीली जो है वो तैर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनी फूड कंटेन ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, हमारे पास जो मैनी फूड है या वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनके अंदर हमारे पास क्या है कि ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी होते हैं। मोस्ट नेचुरल फैट्स सच एज दोज इन दी वेजिटेबल ऑयल डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमल फैट आर कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड मिक्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, के हमारे पास जो एनिमल फैट हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या ऑयल और वेजिटेबल्स वेजिटेबल ऑयल ले रहे होते हैं हम, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट तरह के हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। दे कंटेन अ वराइटी ऑफ फैटी एसिड डिफरेंट इन द चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इनमें जो फैटी एसिड यूज होनी है उनकी डिफरेंट चेन लेंथ हो सकती है और उनके अंदर डिफरेंट सेचुरेशन का लेवल हो सकता है, मीन के डिफरेंट डबल बॉन्ड हो सकते हैं या सिंगल बॉन्ड है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। वेजिटेबल ऑयल सच एज कॉर्न, कॉर्न ये जो छली से ऑयल बनता है, ठीक है, जैसे हम मेज ऑयल भी कह रहे होते हैं, द वेजिटेबल ऑयल सच एज कॉर्न एंड द ऑलिव ऑयल आर कंपोज लार्जली ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल विद द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। जब भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो लिक्विड होगा, ठीक है, कि वो अनसेचुरेटेड है कौन से कि ऑलिव ऑयल हमें पता है लिक्विड के फॉर्म में है, कॉर्न ऑयल जो है वो लिक्विड के फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। दे आर कन्वर्टेड इंडस्ट्रियली इन टू दी सॉलिड, कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं आपको पता है कि वो
इन ऑयल्स की, अनसैचुरेटेड ऑयल की हाइड्रोजनेशन कर दी जाए, तो वो क्या हो सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास वो सॉलिड मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि हमने ऑयल से घी बनाने का जो प्रोसेस है वो भी यही था कि अनसेचुरेटेड ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन कर दी जाए तो ऑयल जो है वो सोल्डिफाई हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कि ये घी बन गया। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास लिपिड, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि पहले हमने देख लिया कि लिपिड्स होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे होते हैं, और फिर हमने देखा ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं या फैटी एसिड हैं, फिर हमने उनके नोमेनक्लेचर देख लिया कि इसमें कार्बन की लेंथ कितनी है, डबल डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और उनके कॉमन नेम और उनके ये जो आईयूपैक नेम है उसको देख लिया, और इन्हीं की बेस पे हमारे पास जो है डिफरेंट जो है नेम आ जाता है, पाल्मिटिक और एसिड और ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड वगैरह। ठीक है, कि एक ही कार्बन लेंथ है लेकिन उसके अंदर जो है वो चेंज हो रहे हैं, हमारे पास जो फैटी एसिड है उसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। फिर हमने देखा कि जो स्टेट चेंज होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं वो स्टेट चेंज है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन जो ये होते हैं हमारे पास जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है, जो कि सिस फॉर्म होती है, मोस्टली सिस फॉर्म एग्जिस्ट कर रही होती है, और वो जो है एक किंक प्रोवाइड कर देती है स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। फिर हमने देखा कि ये जो फैटी एसिड हैं, डिफरेंट थ्री फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बना देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एस्टर है, और एस्टर से ही हमारे पास ये जो है फैटी एसिड्स बन जाते हैं। ये अगर अनसेचुरेटेड होंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, अगर वो सेचुरेटेड होंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, और जो है ये हमारे पास क्या है कि क्या कर सकते हैं कि एक तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, दूसरे के साथ साथ क्या ये इंसुलेशन का काम भी कर रहे होते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तो था सारे का सारा हमने देख लिया लिपिड के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और एग्जाम के लिए तैयार भी करना है।